नमस्कार, आप देख रहे हैं सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर सीरीज में आप देखेंगे हिस्ट्री ऑफ एशिया, या ये कहें हिस्ट्री ऑफ चीन जापान से लिया गया टॉपिक है सेकंड अफीम वॉर। ये बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स के माध्यम से ये कहा था कि आप मुझे अफीम वार, सेकंड अफीम वार के नोट्स या लेक्चर वीडियो अवेलेबल करा दो। ओके, तो आपकी डिमांड पे आज का लेक्चर सीरीज जो है, या लेक्चर का आज टॉपिक है, वो है सेकंड अफीम वार। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि सेकंड अफीम वार हुआ, कहाँ हुआ, किसके बीच हुआ, क्यों हुआ, ये तो हम लोग लेक्चर कंप्लीट होने के बाद जानेंगे कि सेकंड अफीम वार होने का कारण क्या था। ओके, लेकिन उसके पहले बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं सुने होंगे, नहीं देखे होंगे, जो था फर्स्ट अफीम वार चीन जापान इतिहास, से यदि भी अभी भी आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके, सेल्फ मेड ट्यूटोरियल चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चीन जापान का इतिहास है, उसमें से आप चीन जापान का जो भी टॉपिक है वो देख सकते हैं। कुछ अपलोड है कुछ टॉपिक, कुछ टॉपिक अपलोड नहीं है, लेकिन प्रथम अफीम युद्ध का टॉपिक अपलोड है। ओके, तो प्रथम अफीम युद्ध में आपने देखा कि प्रथम अफीम युद्ध किसके किसके बीच हुआ, क्यों हुआ, फिर क्या कारण था कि सेकंड अफीम वार हुआ। तो थोड़ा सा मैं चर्चा करूँगी, और वहाँ पे मैंने यहाँ पे आउटलुक यहाँ हमने लिख भी दिया है, आप भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि प्रथम अफीम युद्ध जो हुआ था, द्वितीय अफीम युद्ध के जानने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रथम अफीम युद्ध क्यों हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, और हुआ भी तो इसके परिणाम क्या निकला। ओके, तो प्रथम अफीम युद्ध 1839 टू 1842 यानी 1839 से 1842 के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? ब्रिटेन और चीन के बीच हुआ था। क्यों हुआ था? तो उस समय जब चीन एक एकांत प्रिय देश था, उसकी अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी सोच थे, वो किसी बाहरी दुनिया के संपर्क में नहीं जाना चाहता था, और उस समय इंग्लैंड में, या ये कहे कि यूरोपीय देशों में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो रही थी, तो उसके लिए बाज़ार की आवश्यकता थी, कच्चे मालों की आवश्यकता थी। तो इसके लिए ज़रूरी था कि कुछ ऐसा देश, कोई ऐसा देश जहाँ ये सारे अवेलेबल हो, इसके लिए उस देश पर अधिकार करना ज़रूरी है। इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने चीन पे अधिकार किया, और कैंटन बंदरगाह पर अधिकार कर व्यापार करना शुरू किया, ताकि वह अपने कच्चे माल प्राप्त कर सके और तैयार माल को वहाँ के मार्केट में बेच सके। इस कारण से उन्होंने, यूरोपियों ने, विशेषकर ब्रिटेन ने उनसे युद्ध के माध्यम से ये अधिकार प्राप्त किया। ओके, चलिए अब यहाँ पे एक पृष्ठभूमि दी गई है, उसे आप पढ़ के भी समझ सकते हैं कि प्रथम अफीम युद्ध चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ, और इसी के परिणाम स्वरूप जब युद्ध हुआ, तो युद्ध के तो बहुत सारे कारण हैं, मैं यहाँ पे फर्स्ट अफीम युद्ध के कारण बताना स्टार्ट करूँ तो आप सेकंड वार का मैं डिटेल्स नहीं बता पाऊँगी, वीडियो बहुत लंबा जाएगा, इसके लिए आप फर्स्ट वीडियो, प्रथम अफीम युद्ध का वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो ये क्या हुआ कि प्रथम अफीम युद्ध हुआ, इसके बहुत से कारण थे, जैसे कि अंग्रेज़ों को या कोई भी विदेशी व्यापारियों को वो सम्मान और इज्जत नहीं मिलती थी जो वहाँ के चीनी व्यापारियों को मिलती थी। इसके अलावा कोतो प्रथा था, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अधिकारी थे जो डायरेक्ट राजा के संपर्क न करा के खुद की मध्यस्थता करते थे। तो इस तरह से, इसके कारण से प्रथम अफीम युद्ध हुआ, और प्रथम अफीम युद्ध के तत्कालिक कारण भी थे। तत्कालिक कारण का मतलब होता है कि कुछ ऐसा, ये कारण तो सदियों से कुछ चले आ रहे थे, और साथ ही अंग्रेज़ों द्वारा किया गया अफीम का वार, सॉरी सॉरी अफीम का व्यापार,
अफीम एक ड्रग्स है और उसके व्यापार चीन के साथ करते थे। जब चीनी सरकार को ये पता लगी तो उन्होंने अपने अधिकारी भेज के ये अफीम के हजारों पेटियों में चूना मिलाकर उन्हें समुद्र में फेंकवा दिया। इससे अंग्रेजों को व्यापारिक घाटा लगा और इसी के साथ प्रथम अफीम युद्ध हुआ। प्रथम अफीम युद्ध में ये चीनियों की हार हो गई और इसके साथ साथ उन्हें एक संधि करनी पड़ी जिसे कहते हैं नानकिंग की संधि। नानकिंग की संधि के तहत पांच प्रदेशों पे कैंटन, फुचाओ, नागोए, कुछ ऐसे और प्रदेश थे जिन पे अंग्रेजों का अधिकार हो गया, उन्हें व्यापार करने के अधिकार मिल गया। इसके अलावा बहुत सारे अधिकार मिले। तो इस तरह कह सकते हैं कि चीन और ब्रिटेन के बीच हुए युद्ध के परिणाम स्वरूप नानकिंग की संधि संपन्न हुई और संधि के द्वारा यूरोपीय देशों को चीन में व्यापार करने का पूरा अधिकार प्राप्त हो गया। ओके, चलिए थोड़ी सी हम शुरुआत करते हैं। हम आ गए अपने जहाँ से हमने शुरुआत, जैसे कि ये टॉपिक है प्रथम अफीम वार। ओके, देख लीजिए द्वितीय, सॉरी द्वितीय अफीम वार। तो अभी तक तो आप समझ गए कि प्रथम अफीम वार कैसे क्या हुआ था। ओके, अब आगे बढ़ेंगे द्वितीय अफीम युद्ध के बारे में कि जब प्रथम अफीम युद्ध हो गया, अंग्रेजों और अन्य विदेशियों को वहाँ व्यापार करने की सुविधा प्राप्त हो गई, लेकिन फिर से द्वितीय अफीम युद्ध क्यों हुआ? तो यहाँ देखते हैं, जैसे कि हमने कुछ बताया है प्रथम अफीम युद्ध के बारे में और परिणाम स्वरूप नानकिंग की संधि हुई और संधि के द्वारा क्या हुआ। संधि के द्वारा यूरोपीय देशों को चीन में व्यापार करने का पूरा अधिकार हुआ और यूरोपीय देशों के साथ साथ कुछ अन्य विदेशी देश भी थे, विदेशी भी कंट्री भी थे, वो भी व्यापार करने के पूरे अधिकार प्राप्त हुए। इसी के साथ चीनी दरवाज़ा विदेशियों के लिए खुल गया। अब चीनी दरवाज़ा तो सबके लिए खुल गया और चीनियों के एकांतवास का अंत हो गया। ओके, चलिए, लेकिन अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या था? सेकेंड अफीम वार कब से कब हुआ था? 1856 से 1860 के बीच हुआ। 1856 यानी 1856 टू 1860। ओके, तो नानकिंग की संधि के तहत, यानी कि नानकिंग की जो संधि हुई थी और जिसके तहत उन्हें व्यापार करने के अधिकार प्राप्त हुआ था, तो इस संधि के तहत यूरोप के व्यापारी चीन में प्रविष्ट अवश्य हो गए। प्रविष्ट मतलब विदेशी व्यापारियों का एंट्री तो हो गया चीन में, किंतु उन्हें अपनी स्थिति पर संतोष नहीं हुआ। यानी कि जो अधिकार उन्हें मिलने चाहिए थे, जो अधिकार की घोषणा वहां की सरकार ने की थी, वो पूरे करने में वो असफल रहे। चीनी लोग पश्चिमी जातियों की अपेक्षा अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। अभी भी भले ही होता है ना ऐसा कि किसी व्यक्ति को अगर ज़बरदस्ती हम किसी कारण से हार गए तो उन्हें अपने यहाँ एंट्री दे देते हैं, लेकिन उनके साथ एकदम से सौतेला व्यवहार जो कहते हैं ना, अच्छा व्यवहार नहीं करना, उनको अभी भी हीन दृष्टि से देखना, उन्हें अनेक तरह की उन्हें यातनाएं देना, उन्हें उनके साथ गलत व्यवहार करना, ये सारे जारी थे चीनी जातियों के तरफ से। तो वो पश्चिमी जातियों की अपेक्षा अपने आप को श्रेष्ठ समझते, कौन श्रेष्ठ समझते थे? चीन लोग। और कैंटन में विदेशियों के प्रवेश से वो छुपते, क्योंकि प्रथम अफीम युद्ध के तहत कैंटन एक बंदरगाह था, उस बंदरगाह में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई थी अंग्रेजों को या विदेशियों को, लेकिन चीनी सरकार या कहे चीनी जनता उनके प्रवेश से बहुत ही दुखी थे। कैंटन बंदरगाह सबके लिए खोले जाने से परेशान होकर उन्होंने अपनी नाराजगी प्रकट करने के उद्देश्य से पत्रांक बंटवाए जिन पर लिखा था कि, यानी कि जब कैंटन में विदेशियों का प्रवेश हो गया नानकिंग की संधि के तहत, तो उन्होंने एक लेटर सबको बंटवाया। अब लेटर में क्या था, अब देखते रहिए। उन्होंने जो लेटर बंटवाए, पत्रांक बंटवाए, जिन पर लिखा था कि यदि विदेशी कैंटन के अतिरिक्त इधर उधर जाएंगे, यानी उन्होंने कहा कि कैंटन जहाँ बंदरगाह है, जहाँ उन्हें छूट दी गई है, उसके अतिरिक्त यदि विदेशी या कोई भी ब्रिटिश व्यापारी इधर उधर जाएंगे तो उनकी हत्या कर दी जाएगी और उनकी रसद की आपूर्ति भंग करके उन्हें भूखों मार दिया जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रथम अफीम युद्ध के परिणाम स्वरूप हुए नानकिंग की संधि की शर्तों के क्रियान्वयन में ही द्वितीय अफीम युद्ध का बीज छिपा हुआ था। आप समझ रहे हैं ना कि कैसे नानकिंग की संधि हुई? नानकिंग की संधि ही सफलीभूत नहीं हुई, या ये कहे कि उनके क्रियान्वयन, उनको एग्जीक्यूट करने में ही
अच्छी तरह से एग्जीक्यूट नहीं हुई, क्रियान्वित नहीं हो पाई और इसी में ही असंतोष छुपा था और इसी में द्वितीय अफीम युद्ध का बीज बोया गया था। ये कहे कि द्वितीय अफीम युद्ध का बीज छिपा हुआ था जो आगे चल के प्रस्फुटित हुआ। ओके, तो आप समझ गए, आप सारी बातें पृष्ठभूमि का है, उसकी आउटलुक है, ओवरव्यू का है, वो आपने प्रथम अफीम द्वितीय अफीम युद्ध का समझ लिया। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। वो टॉपिक क्या था? द्वितीय अफीम युद्ध जो ब्रिटेन और चीन के बीच हुआ 1856 से 60 के बीच, उसके कारण क्या थे। आज हम इस लेक्चर में सिर्फ कारणों की चर्चा करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में जल्द ही अपलोड करूंगी जिसमें इसके परिणाम स्वरूप हुए तेनसिन की संधि और पेकिंग की संधि की व्याख्या करूंगी, उनको मैं एक्सप्लेन करूंगी। ओके, चलिए, द्वितीय अफीम युद्ध के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कारण थे। कारण तो वैसे बहुत सारे थे लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे उनके कारण, महत्वपूर्ण कारण। कारण क्या था? विदेशियों की शरारतें, विदेशियों की शरारतें देखते हैं। विदेशी चीनियों के साथ किस तरह की शरारतें कर रहे थे, चलिए। प्रथम अफीम युद्ध की पराजय से मंचू शासकों की दुर्बलता और खोखलेपन को प्रकट कर दिया। ये भी जानते हैं कि प्रथम अफीम युद्ध जब चीन में, चीन का दरवाज़ा विदेशियों के लिए खुल गया, उस समय वहाँ की सरकार और वहाँ की जनता के बीच ही असंतोष व्याप्त था। बक्सर विद्रोह हुआ, उसके बक्सर समझौता हुआ, टाइपिंग विद्रोह हुआ, मंचू 1911 की क्रांति हुई, मंचू शासकों को आगे चल के हुआ, मंचू शासकों के प्रति जनता ने अनेक विद्रोह किए, सैकड़ों विद्रोह किए। ओके, तो प्रथम अफीम युद्ध की पराजय ने मंचू शासकों की दुर्बलता और खोखलेपन को प्रकट कर दिया। शोषण षड्यंत्र और भ्रष्टाचार पनपने लगा। अफीम युद्ध के बाद चीन में 7 वर्षों में लगभग 100 विद्रोह हुए। इनमें टाइपिंग विद्रोह सबसे अधिक उल्लेखनीय है। इसका मुख्य कारण चीन में विदेशियों के प्रभाव को बढ़ने से रोकना था। मंचू सरकार अकेले इस विद्रोह का दमन नहीं कर सकी, अतः उसने विदेशियों के सहयोग से उसका दमन करने में सफलता प्राप्त की। अब देखिए, वहाँ की जब नानकिंग की संधि हो गई, द्वितीय अफीम युद्ध, प्रथम अफीम युद्ध हुआ, तो उस अफीम युद्ध के बाद वहाँ की सरकार को वहाँ की जनता दोषी ठहराने लगी इसके लिए, और वो चाहती थी कि वो इन विदेशियों का विद्रोह विरोध करे और इन्हें निकाल बाहर करे। लेकिन विदेशियों के प्रभाव भी बढ़ते जा रहे थे चीन में, वो उन्हें निकाल पाने में असफल हो रहा था, और ऐसी परिस्थिति में मंचू सरकार अकेले, जो जनता वहाँ का विद्रोह कर रही थी, चीनी जनता, वो अकेले विद्रोह को दबा सकने में असक्षम था। तो इसीलिए उन्होंने विदेशियों से ही चीनी जनता को दबाने के लिए सहयोग मांगा। अब देखिए किस तरह से सरकार विदेशियों को सपोर्ट कर रही है, क्यों? अपनी सत्ता बचाने के लिए, और किसके प्रति? वहाँ की जनता के प्रति। तो इन सब कार्यों के तो जनता में असंतोष तो होगा ही, और साथ ही ये आपको यहाँ पे देखना है कि इससे विदेशी किस तरह असंतुष्ट हुए। उसने विदेशियों के सहयोग से इसका दमन करने में सफलता प्राप्त की, यानी कि चीनी सरकार ने विदेशियों की सहायता से वहाँ के विद्रोह को, वहाँ के विद्रोहियों को दबाया। यद्यपि विद्रोह दबा दिया गया, किंतु मंचू सरकार विदेशी सहायता प्राप्त करने के कारण दुविधा और मुसीबत में पड़ गई। यद्यपि तो विद्रोह तो उन्होंने दबा दिया, वहाँ के जनता को, वहाँ को तो उन्होंने दबा दिया विदेशियों से, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने ही देश के खिलाफ विदेशियों से जो सहायता मांगी, इससे उनकी स्थिति दुविधापूर्ण हो गई। किसकी स्थिति? चीनी सरकार की, यानी मंचू शासन की। 1840 से 1858 तक अफीम के वार्षिक आयात में 300% की वृद्धि हुई। यानी कि दुविधा ये हो गई कि मंचू सरकार का शोषण करके अब चीनी व्यापारी, सॉरी, ब्रिटिश व्यापारी या विदेशी व्यापारी अपने आयात निर्यात को बढ़ाने लगे। विदेशी व्यापार में उन्होंने काफ़ी प्रगति की, बिना रोक टोक वो चीन में कहीं आ जाने लगे, और चीनी सरकार कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें उनका सपोर्ट प्राप्त था। ओके, और इस तरह से 40 और 58 की ईस्वी तक अफीम के वार्षिक आयातों में 300% की वृद्धि हुई। इधर से विदेशियों का व्यापार भी बढ़ते ही जा रहा था। विदेशी व्यापारी अपने लाभ के कारण उसे छोड़ना नहीं चाहते थे, और
चीन अपने कानून का प्रयोग करने की स्थिति में नहीं था, यानी कि अफीम के व्यापार को रोकने का सरकार प्रयास कर रही थी, लेकिन इससे विदेशियों को अत्यधिक लाभ हो रहा था। इस कारण से विदेशी व्यापारी भी अफीम के व्यापार को छोड़ना नहीं चाहते थे, और ये लगातार जिस के लिए प्रथम अफीम युद्ध हुआ था उसी का व्यापार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। मंचू शासकों की दुर्बलता का लाभ उठाकर विदेशियों ने चीन में शरारतें करना प्रारंभ कर दिया। अब देखिए, मंचू शासक तो दुर्बल था ही, खुद ही वो अपने देश के जनता के विरोध विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने विदेशियों से सहायता लिया। अब जब विदेशियों से सहायता लिया तब विदेशियों ने इस कमजोरी का फ़ायदा उठाया और उन्होंने चीन में कुछ शरारतें करनी स्टार्ट कर दी। उस शरारतें क्या थी? उन्होंने निर्धन चीनियों को बहकाकर, गरीब गरीब जो चीनी जनता थे उन्हें बहकाकर विदेश ले जाने लगे, अपने यहाँ जाकर नौकरी रखने लगे, उनका दास के रूप में उनका शोषण करने लगे, और पहले बहला फुसला कर ले गए, बाद में उन्होंने बल और धमकी का प्रयोग कर दूरस्थ स्थानों पर मजदूरी करने के लिए ले जाने लगे, बाद में उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ भी वो यहाँ आके चीनियों को वो बाहर ले गए। मंचू सरकार ने विदेशी व्यापारियों की इन ज्यादतियों को रोकने के अनेक प्रयास किए थे। अब मंचू सरकार अब इनसे देख के छुप तो था ही, लेकिन खुले रूप से विरोध नहीं करता था, लेकिन वो आंतरिक रूप से वो इनका विरोध करता था। किंतु उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली और इस कृत्य से चीनी जनता अत्यंत असंतुष्ट थी, और उनके प्रतिशोधात्मक कार्यों ने विदेशियों को चीन में पुनः हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान कर दिया। यानी कि चीनी जनता इससे असंतुष्ट थी, इसीलिए वो जगह जगह चीन में ही विदेशियों व्यापारियों के प्रति प्रतिशोधात्मक कार्यों में संलग्न हो गए, और इससे विदेशियों को चीन में पुनः हस्तक्षेप करने की अवसर प्राप्त हो गया। ओके, तो देखिए किस तरह आपने किस तरह से विदेशियों की शरारत चीन में बढ़ने लगी, और किस तरह से त्रिकोणात्मक, यानी एक तरफ चीनी जनता, दूसरी तरफ मंचू शासक, तीसरी तरफ विदेशी व्यापारी, और तीनों के बीच किस तरह से असंतोष का एक वातावरण तैयार हो रहा था, और किस तरह से तीनों अपने स्वार्थ में संलग्न थे। चलिए, तो आप समझ गए प्रथम अफीम युद्ध का प्रथम कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवीन संधियों की मांग, डिमांड ऑफ न्यू ट्रीटी, यानी प्रथम जो संधि हुई थी नानकिंग की संधि, उस संधि के अलावे 1842 ईस्वी में 1842 ईस्वी की संधि से ब्रिटिश व्यापारी अत्यधिक लाभ में थे, किंतु फिर भी उन्हें अपनी स्थिति से संतोष नहीं हुआ। चीन की दुर्बलताओं का लाभ उठाकर वे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते थे, अतः ब्रिटेन यांगसी पर विजय करने की योजना बनाने लगा था, यानी कि उन्होंने पहले कैंटन, हांगो नदी के पास का ही 5 बंदरगाह थे उस पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था, हांगो नदी पर उन्होंने अधिकार करके व्यापार तो स्टार्ट किया ही, लेकिन अब उनका अगला टारगेट था यांगत्सी नदी पर अधिकार करना और वहाँ के आसपास के बंदरगाहों पे अपने व्यापार के लिए बंदरगाहों को यूज करना। ये उनका अब उनका लालच बढ़ता गया, विदेशी व्यापारियों का लालच चीन में बढ़ता गया, और उन्होंने ये डिमांड रखा कि अब एक नई प्रकार की संधि करनी चाहिए। व्यापारी लाभ की आकांक्षा के कारण वह सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहता। अंग्रेज जनता भी केवल 5 बंदरगाहों से व्यापार करके संतुष्ट नहीं थी, वह चीन में अधिक से अधिक प्रदेशों पर अधिकार करना चाहती थी। भारत में प्राप्त सफलता के कारण अंग्रेजों के मस्तिष्क में पूरी तरह बैठ गया। अब इस समय जब 1855-56 का जो टाइमिंग था वो भारत में 1857 की क्रांति हो रही थी, और इस क्रांति में अंग्रेजों ने भारतीयों को दबाया, अंग्रेजों को क्षति हुई लेकिन उन्होंने भारतीय 57 के विद्रोह को दबाया, और इस कारण से भी, और जिस तरह से उन्हें सफलता प्राप्त हो रही थी भारत में, इससे उनका मस्तिष्क जो था वो पूरी तरह इस बात से तैयार था कि वो अत्यधिक शक्तिशाली है और वो चीन पर भी वैसे ही अपने अधिकार को कायम कर सकते हैं।
तो इस तरह से उनकी बढ़ती हुई जो उनकी मनोदशा थी, शक्तिशाली मनोदशा, इसके फलस्वरूप उन्होंने चीनी सरकार से मांग की कि वह पुरानी संधि को दोहराए, और उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया। अब पुरानी संधि को दोहराए यानी पुरानी दोहराए जाने की मांग करने लगे, यानी और उसमें एक नवीन संधि करने की मांग की, तो यानी उनका तर्क क्या था, उन्होंने क्या लॉजिक दिया, क्यों दोहराए कि नानकिंग की संधि के बाद जो संधियां अन्य देशों से की गई है उनके अनुसार ब्रिटेन को कम सुविधाएं प्राप्त है। वास्तव में यह केवल बहाना मात्र था और ब्रिटेन चीन की दुर्बलता का लाभ उठाकर अपने पैर जमाना चाहता था। यानी उन्होंने कहा, एक तो उनका मन का बढ़ना जो कहते हैं, ये कहे कि जिस तरह से वो उनकी शक्तिशाली अपने को महसूस कर रहे थे भारत में, जो उनकी सफलता प्राप्त हुआ था, इस कारण से उन्होंने यहाँ चीनी सरकार के सामने प्रस्ताव रखा कि उस संधि को, नवीन संधि को दोहराया जाए, उसमें कुछ संशोधन किया जाए, कुछ सुविधाएं प्राप्त की जाए। क्यों? इसलिए कि जो विदेशी व्यापारियों को जो यहाँ सुविधा दी जा रही है चीन में, उसके अनुसार ब्रिटेन को नहीं दी जा रही है, तो इसीलिए उन्हें अत्यधिक अधिकार प्राप्त करने के लिए उस संधि को फिर से दोहराया जाए, उसमें संशोधन किया जाए। तो ये भी कारण रहा द्वितीय अफीम युद्ध का। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कारण था नवीन प्रस्ताव, न्यू प्रपोजल। न्यू प्रपोजल में क्या कहा? अब ब्रिटेन ने एक नया प्रपोजल लेके आया, वो क्या था? चीन के आंतरिक अवस्था का लाभ उठाते हुए ब्रिटेन के उच्च आयुक्त लॉर्ड बोरिंग, या ये भी कह सकते हैं लॉर्ड बोरिंग का नवीन प्रस्ताव, लॉर्ड बोरिंग का नवीन प्रस्ताव, न्यू प्रपोजल ऑफ लॉर्ड बोरिंग। ओके, तो लॉर्ड बोरिंग द्वारा चीन के अधिकारियों के समक्ष नवीन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। एक नया चीन के अधिकारी, लॉर्ड बोरिंग जो आया, उन्होंने चीन के अधिकारियों के समक्ष एक नया प्रपोजल रखा कि विदेशी व्यापारियों को चीनी साम्राज्य के सभी तटवर्ती प्रदेशों में प्रवेश करने की आज्ञा प्रदान की जाए। यानी कि देखिए, इसे क्या आपको, ये पढ़ने से आपको क्या महसूस हो रहा है? विदेशी कहीं ना कहीं उनकी लालच बढ़ती जा रही थी, कहीं ना कहीं वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे, अपने उपनिवेश को बढ़ाना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने कहा कि हम सिर्फ 5 बंदरगाह लेकर संतुष्ट नहीं हैं। भाई आप इतने पूरे चीन पे अधिकार करते हो, हर जगह व्यापार करते हो, और मुझे सिर्फ 5 बंदरगाह, मुझे जितने भी तटवर्ती इलाके हैं, क्योंकि बंदरगाह कहाँ स्थापित रहते हैं, तटवर्ती यानी कि जो समुद्र से सटा हुआ इलाका हो, तो सिर्फ उन्हें 5 पर अधिकार दिया गया था, वो भी नानकिंग की संधि के तहत। लेकिन उन्हें चाहिए था कि समुद्र से चीनियों का जितना भी तटवर्ती इलाका था सब पे उनका अधिकार हो, सभी बंदरगाहों को वो अपने व्यापार के लिए यूज कर सके, ये था डिमांड। तो उन्होंने कहा भी कि तटवर्ती प्रदेशों में प्रवेश करने की आज्ञा प्रदान की जाए, यांगसे नदी में आवागमन और प्राचीन राजधानी नानकिंग में प्रवेश का भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। अब उन्होंने अपना जो मन की उनकी बात थी उन्होंने जग जाहिर कर दी, यानी कि उन्हें बस हांगो नदी के किनारे वाला प्रदेश नहीं चाहिए, वो तो होगा ही, है ही, साथ ही उन्हें यांगत्से नदी के आसपास का जो बंदरगाह था उस पर भी उन्हें व्यापार करने का अधिकार होना चाहिए। अफीम व्यापार को वैध घोषित किए जाने की मांग भी प्रस्तुत की गई तथा आयात पर चुंगी समाप्त किए जाने का अनुरोध किया गया। ब्रिटेन की मांगों का फ्रांस और अमेरिका ने भी समर्थन किया। अब देखिए भाई, ब्रिटेन आगे आगे काम कर रहा था, अधिकार ले रहा था, फ्रांस और अमेरिका कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी इन्हें कहा कि हाँ भाई, ये जो मांग कर रहा है वो बिल्कुल सही है, तो उन्होंने भी समर्थन किया, क्योंकि ब्रिटेन ने भी तो कहा था कि मैं आपके साथ संधि कर रहा हूँ, लेकिन मेरी संधि के, मेरे साथ तो हो रही है, इस संधि के अन्य विदेशियों के साथ भी लागू होता है, यदि किसी कोई और विदेशी राष्ट्र आपका ज़्यादा ही तैसी हो जाता है, आप उसे ज़्यादा सुविधाएं देते हो, तो वो तो मुझे स्वतः प्राप्त होना चाहिए, मेरे को भी वो प्राप्त होना चाहिए। एक होता है ना कि आप उसको ये सामान दे रहे हो, उसको दे रहे हो, अगर मेरे को नहीं दोगे तो अच्छा नहीं होगा, आप उसको ये दे रहे हो तो मुझे भी ये देना ही होगा, ये थ्योरी थी ब्रिटिश वालों की। तो चीनी अधिकारियों ने लॉर्ड बोरिंग द्वारा प्रस्तुत इन प्रस्तावों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया।
लॉर्ड बोर्डिंग ने जो नया प्रस्ताव रखा था कि उन्हें पूरे तटवर्ती इलाकों में व्यापार करने का अधिकार होना चाहिए, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। ब्रिटेन ने अभी क्रीमियन युद्ध में व्यस्त होने के कारण इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया, किंतु 1856 में क्रीमिया युद्ध की समाप्ति के बाद उसने चीन के विरुद्ध 9 सैनिक कदम उठाने का निश्चय किया। लेकिन ये न्यू प्रपोजल जो पास मतलब मांग किया, प्रस्तुत किया, किसने? लॉर्ड बोरिंग ने। वो उस पर चीनियों ने कोई ध्यान नहीं दिया और ब्रिटिश भी क्रीमिया युद्ध में व्यस्त था तो उसने भी कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन क्रीमिया युद्ध की समाप्ति के बाद उसने चीन के विरुद्ध 9 सैनिक कदम उठाने का निश्चय किया। क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? 1856 में, याद रखिएगा। ओके, तो ये था कारण। एक नेक्स्ट कारण ये भी था कि नवीन प्रस्ताव, न्यू प्रपोजल ऑफ लॉर्ड बोरिंग, बोरिंग का न्यू प्रपोजल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फ्रांसीसी पादरी की हत्या। फ्रांसीसी पादरी की हत्या, एसेसिनेशन ऑफ फ्रेंच प्रिस्ट। 1856 ईस्वी में फ्रांस के एक कैथोलिक पादरी अगस्त चैपडिलेन का विद्रोह पर विद्रोह का आरोप लगाकर क्वांक्सी के स्थानीय अधिकारियों ने उसे मृत्युदंड दे दिया। जैसे ही ये सूचना कैंटन पहुंची, फ्रांस के राजदूत ने एक विरोध पत्र चीनी सरकार को भेज दिया और उसमें स्पष्ट कर दिया कि चीनी जनता चीनी सरकार द्वारा अधिकारों का अतिक्रमण किया गया है। उन्हें फ्रांस के किसी व्यक्ति पर चीन की अदालत में लिए गए निर्णय के अनुसार कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। इस घटना के बाद फ्रांस का झुकाव ब्रिटेन की ओर बढ़ने लगा। यानी ये तो आपने जब नानकिंग की संधि पढ़ी होगी तो नानकिंग की संधि में ये कहा गया था कि किसी भी ब्रिटिश या विदेशी अधिकारियों पर मुकदमा चीनी अदालत में नहीं चलेगी, चीन में ही विदेशी अदालत स्थापित होंगे और वहाँ पे कोई विदेशियों के अपराधियों के कोई मामला होगा, मुकदमा होगा, केस होगा, वो उस विदेशी अदालत में चलेगा। लेकिन ये जो चैपडलिन थे पादरी, उन पे कोई भी मतलब आरोप लगा था तो उनको चीनी अदालत द्वारा सजा दी गई थी, जिसका विरोध फ्रांस ने किया और वो विरोध स्वरूप ही ब्रिटेन का समर्थक हुआ। और ब्रिटेन जो युद्ध का बिगुल फूकने की तैयारी कर रहा था चीन के प्रति, उन्होंने उसका समर्थन कर दिया। ओके, चलिए अभी तक तो आपने जो भी देखा कारण, द्वितीय अफीम युद्ध का, सेकंड अफीम वार का, उसका अब हम देखेंगे इमीडिएट कॉज ऑफ वार, युद्ध का तत्कालिक कारण। अब तो क्वेश्चन यदि कोई भी पढ़ते होंगे कारण करके कि इसका कारण क्या है, तो उस हर घटना का, हर क्रांति का, हर विद्रोह का एक तत्कालिक कारण होता है। यानी कि सदियों से तो असंतोष छुपा ही रहता है, बहुत दिनों तक मन में एक मनमुटाव तो जारी रहता है, लेकिन भड़ास कब निकलता है? जब कुछ एक ऐसी घटना घट जाती है तो उसी को कहा जाता है तत्कालिक कारण, जो आग में घी का काम करता है और युद्ध का विस्फोट हो जाता है। ओके, चलिए देखते हैं तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण क्या है? लोरचा एरो जहाज की घटना ने, अब याद रखिएगा, एक शब्द में अगर कहें कि सेकेंड अफीम वार का तत्कालिक कारण क्या था तो लोरचा एरो जहाज की घटना। अब ऐसे शॉर्ट में एरो जहाज भी कह सकते हैं, उसका पूरा नाम लोरचा एरो है, तो एरो जहाज की घटना। ये एरो जहाज की घटना है क्या, उस पर प्रकाश डालते हैं। लोरचा एरो जहाज की घटना ने अंग्रेजों को चीन के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इस जहाज का स्वामी हांगकांग निवासी एक चीनी था, किंतु इसका कैप्टन एक ब्रिटिश नागरिक था। जहाज पर चीन का एक कुख्यात डाकू यात्रा कर रहा था। चीन की सरकार ने प्राप्त सूचना के आधार पर उसे पकड़ने के लिए जहाज पर आक्रमण करके चालक मंडल के 12 सदस्यों को बंदी बना लिया। ब्रिटेन के वाणिज्य दूत हैरी पॉकर्स ने इसका विरोध किया, मांग की कि एरो जहाज हांगकांग में रजिस्टर था, अतः वह ब्रिटिश जहाज था, उसे तुरंत मुक्त किया जाए। अपने गलत व्यवहार के लिए चीनी सरकार ने माफ़ी मांगी। अंग्रेजों के विरोध को देखते हुए एरो जहाज को रिहा कर दिया, किंतु चीन से माफ़ी नहीं मांगी, फलतः अंग्रेज
अंग्रेजों ने चीन के युद्ध पोतों पर आक्रमण करके कैंटन बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। चलिए मैं आपको बताती हूँ, आपने तो ये देखा, आपने सुना कि माजरा क्या था, एरो जहाज था। ये जहाज पर अंग्रेज चीनियों को पता चला कि उस पर चीनी अपराधी सवार हैं, तो इसीलिए इस जहाज और चीनी अपराधी सवार हैं तो चीनी अधिकारी उस जहाज को पकड़ना चाहते थे। लेकिन माजरा क्या था कि इस जहाज का स्वामी हांगकांग निवासी था। हांगकांग जो है पहले चीन के अधिकार में था, लेकिन बाद में ब्रिटेन ने उस पर अधिकार कर लिया था नानकिंग की संधि के तहत। ओके, तो स्वामी हांगकांग का निवासी एक चीनी था, हांगकांग का निवासी चीनी था, लेकिन इसका कैप्टन जो था एक ब्रिटिश नागरिक था। समझ में आ गया, जहाज हांगकांग निवासी एक चीनी था, इस जहाज का स्वामी जो जिसका जहाज था वो हांगकांग का था, और उस पर जो चलाने वाला चालक था वो ब्रिटेन का था। जब चीनी सरकार को ये पता चला कि उस पर एक उसका अपराधी है, क्रिमिनल है, तो उन्होंने उसके पकड़ने के लिए जहाज को पकड़ लिया, और जहाज को पकड़ के चालक मंडल के 12 सदस्यों को बंदी बना लिया। यानी कि उसके पूरे चालक मंडल, उनके ड्राइवर की जो कमेटी होती है जहाज पे, तो उसको पकड़ के उन्हें बंदी बना लिया। जब वहाँ के दूतावास में ये बातें गई तो उन्होंने इसका विरोध किया और मांग की कि एरो जहाज हांगकांग में रजिस्टर था। उन्होंने कहा कि हांगकांग में एरो जहाज रजिस्टर था और हांगकांग पे ब्रिटेन का अधिकार है, तो ऐसे में उन्हें चालक दलों को पकड़ने के और जहाज पर अधिकार करने का कोई अधिकार नहीं है। किसको? चीन को। और उन्हें तुरंत मुक्त किया जाए, और उन्होंने कहा कि जो भी उन्होंने चालक दल को, ड्राइवर को और उनके एक मेंबर को पकड़ा है, उन्हें फ्री किया जाए। और वह अपने गलत व्यवहार के लिए और उन्होंने ऐसा जो किया है इसके लिए वो माफ़ी भी मांगे। लेकिन चीनी सरकार ने अंग्रेजों के विरोध को देखते हुए जहाज को तो रिहा कर दिया, उसके चालक मंडल को तो रिहा कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने कार्यों के लिए माफ़ी नहीं मांगी। और ये ऐसा उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी इसके कारण एक बहाना मिल गया किसको? अंग्रेजों को चीन पर अधिकार करने का। उन्होंने अधिक आक्रमण करके क्योंकि वो युद्ध की तैयारी तो उनके मन में तो कब से थी कि क्या कोई बहाना मिले कि वो उससे भिड़ जाए, तो ये एक बहाना मिल गया और उसने आक्रमण कर दिया और इस तरह से कैंटन पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। चलिए अब इस युद्ध का तत्कालीकरण था। अब हम देखते हैं कि युद्ध का विस्फोट कैसे हुआ, यानी कि द्वितीय अफीम युद्ध जारी कैसे हुआ और इसके फलस्वरूप क्या हुआ। द्वितीय अफीम युद्ध का विस्फोट, चीनी युद्ध की संभावना को देखते हुए नेपोलियन तृतीय ने आंग फ्रांसीसी मित्रता को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। यदि आप यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हमेशा से ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक जुड़ाव जो था वो नहीं था, वो बस अपने स्वार्थ की खातिर जब उनका हित होता था तो आपस में मिल जाते, काम करते, या नहीं होता तो एक दूसरे के विरोधी थे। वैसे धर्म के मामले में भी इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट धर्म का मानने वाला था और फ्रांस कैथोलिक का मानने वाला था, तो इसीलिए उनमें मित्रता नहीं थी। लेकिन जब कोई मामला ऐसा होता था जब जिनमें दोनों का स्वार्थ छिपा रहता तो दोनों आपस में मिल के काम करते थे। वही बात थी चीन के साथ। चीन में जब अधिकार करने की बात आई, कुछ अपने अधिकार को फैलाने की बात आई, तो नेपोलियन तृतीय ने आंग फ्रांसीसी मित्रता को पुनः स्थापित किया। उस समय नेपोलियन तृतीय था फ्रांस में, उस नेपोलियन तृतीय का शासन था। ओके, चीन पर संयुक्त आक्रमण का प्रस्ताव ब्रिटेन के सम्मुख प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों में जिस समय युद्ध आरंभ हुआ उस समय 1857 का विद्रोह प्रस्फुटित हुआ। अब दोनों जिस तरह से ब्रिटेन और फ्रांस चीन पर अधिकार करना चाहते थे, उस समय भारत में जो था अंग्रेज 1857 ईस्वी में के युद्ध में वो फंसे हुए थे। 1857 के विद्रोह का सामना कर रहे थे अंग्रेज चीन के गवर्नर, और वैसी परिस्थिति में क्या था, चीन के गवर्नर ने अंग्रेजों की हत्या करने पर पुरस्कार देने की घोषणा की। अब यहाँ जो जिस तरह से जुबानी जंग जो होती है वो तो लड़ ही रहा है, और ये अंग्रेज लड़ रहा है भारत में, और यहाँ पर भी अधिकार करना चाहता है,
और इस सिचुएशन में जब अंग्रेज़ों के सैनिक या अंग्रेज कोई अधिकारी मारा जाता था भारत में, तो उसके लिए चीनी सरकार पुरस्कारों की घोषणा करती थी। तो आप समझ ही सकते हैं कि इससे अंग्रेज़ों के मन में कितना विद्रोह या आक्रोश पैदा होता होगा। यद्यपि जनता ने अंग्रेजी व्यापार क्षेत्र में आग लगाकर ब्रिटेन का बहुत नुकसान किया, इतना से ही ये तो सरकार तो कर ही रहे थे, आम जनता भी अंग्रेज़ों को परेशान कर रही थी। वो उन्होंने जितने भी व्यापार थे, उनके व्यापारिक क्षेत्र थे, उन्होंने आग लगा दिया और उन्हें परेशान किया। इससे अंग्रेज़ों को काफ़ी नुकसान भी हुई। फिर भी एंग्लो फ्रांसीसी गठबंधन के कारण चीन कैंटन पर अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सका। फ्रांस और इंग्लैंड की संयुक्त सेना ने उत्तर में, अब आगे देखिए क्या होता है कि वो बहुत कोशिश की कैंटन में अधिकार करने का, अधिकार तो नहीं हुआ। फ्रांस और इंग्लैंड की संयुक्त सेना ने उत्तर में ताकू के किले और पिकिंग के समुद्री मार्ग तेनसिन में प्रवेश करके चीन को भयभीत कर दिया। और इसमें इतना ही नहीं है, उन्होंने क्या किया कि संयुक्त उत्तर में ताकू के किले और पिकिंग की समुद्री मार्ग तेनसिन में, तेनसिन एक बंदरगाह का नाम है, उस पर अधिकार करके उसमें प्रवेश करके चीन को भयभीत कर दिया। इंग्लैंड के विरुद्ध यह चीन की दूसरी विजय थी। इससे क्या हुआ कि जब वो तेनसिन पर अधिकार किया, पिकिंग के समुद्री मार्ग तेनसिन और ताकू के किले के वाले क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, तो इससे चीनी सरकार की दुर्बलता का पर्दाफाश हो गया। ओके, और इस तरह से इंग्लैंड को, विदेशी व्यापारियों को, फ्रांस को एक दूसरी सफलता हासिल हुई। ओके, और इसके फलस्वरूप चीनी सरकार ने संधि की वार्ता आरंभ की। अब कहा कि लो भाई, अब तो तुम हार गए, अब करो हमारे से संधि, मेरे से संधि करो। किंतु संधि की शर्तें निश्चित होने से पहले ही दोनों पक्ष पुनः युद्ध में उलझ गए। अब तो इनको हराया, वो संधि के लिए की बातें बढ़ाना चाहता था, लेकिन ये संधि की शर्तें लागू हो, उस पर हस्ताक्षर हो, उससे पहले ही दोनों फिर से युद्ध में उलझ गए। जब चीन को अपनी राजधानी पिकिंग के चारों ओर खतरा मंडराता दिखाई पड़ने लगा, तो 1858 में तेनसिन संधि पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर कर दिया। यानी कि जब उन्हें दिखा, पहले तो चीन ने टालमटोल किया कि वो नहीं करेगा संधि, उन संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। लेकिन जब पिकिंग क्या था, चीन की राजधानी था पहले, जो अभी बीजिंग राजधानी है चीन की, पहले पिकिंग उसकी राजधानी थी। तो जब पिकिंग वाले इलाके पर वो अधिकार कर चुका है, आगे बढ़ रहा है, पूरे क्षेत्र पर अधिकार करेगा, तो उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। किसने? चीनियों ने, चीनी सरकार ने, और हस्ताक्षर करने, तेनसिन की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो गया। तो इस तरह से 1858 में तेनसिन की संधि पर संधि की शर्तें लागू हुई। हस्ताक्षर हुए या नहीं हुए, ये अगले वीडियो में आपको पता चलेगा। ओके, तो आप नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलिएगा, क्योंकि जब तक आप उसको देखिएगा नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये था सेकंड अफीम युद्ध या द्वितीय अफीम युद्ध का कारण, और कारण के फलस्वरूप जिस तरह से ये पूरा ताना बना तैयार होके आया, तो एक तेनसिन की संधि हुई। और तेनसिन की संधि सफल नहीं हो पाती है, तब होता है पिकिंग की संधि। ओके, तो ये कहे कि द्वितीय अफीम युद्ध के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश और चीनियों के बीच तेनसिन की संधि 1858 में, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है, वो लागू नहीं हो पाती है, तो एक विद्रोह फिर से फैल जाता है, और लास्ट में होता है पिकिंग की संधि। पिकिंग की संधि कब होता है? 1860 ईस्वी में। उस संधि की शर्तें क्या थी, और इस तरह से चीनी सरकार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, और ब्रिटिश को इससे क्या लाभ हुआ, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखें। अगर नेक्स्ट वीडियो नहीं देखते हैं तो ये आपका चैप्टर जो है अधूरा रह जाएगा। ओके, तो मैं कोशिश करूँगी कि आज ही वो वीडियो, नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूँ, तो आप लोग देखना ना भूलें। ओके, और वीडियो जब देखें आप, तो वीडियो को सोचे समझे याद कर ले अच्छे से, क्योंकि मैं ये, मेरा कोशिश यही रहता है कि आप एक स्टोरी की तरफ पूरी कहानी का ताना बाना आपके दिमाग में हो, और आप आसानी से इसे याद रखें। मुझे लगता है कि यदि आप एक बार अच्छे से सुन भी लेंगे, तो आपको ये पूरी स्टोरी अच्छे से याद हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से वीडियो को देखें।
लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, क्योंकि यदि आपको वीडियो मिल गई है तो फिर आप भी किसी दूसरे को शेयर करो। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हिस्ट्री के ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्राप्त करने के लिए, एज ए स्टोरी के रूप में इसको पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें होगा तेनसिन की संधि और पिकिंग की संधि की शर्तें। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।